हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। दोस्तों, यूँ तो बादाम दिखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। यूँ तो आपने बादाम कई बार खाया होगा, लेकिन उसके फ़ायदे आपको नहीं बताऊँगे। उसके कुछ चौंका देने वाले फ़ायदे आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इससे पहले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक शुरू करके जाना। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बादाम बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप डेली बादाम का सेवन करते हैं तो बाल आपके लंबे, घने, काले लंबे समय तक रहेंगे। और अगर आपके बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो वो सब भी दूर हो जाएगी। साथ ही आप अगर बादाम के तेल की चम्पी अपने बालों में करेंगे वीक में 2 बार, तो उससे भी आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मोटे, लंबे, घने हो जाएंगे और सुंदर भी लगेंगे। प्रत्येक दिन 3 से 4 बादाम खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रण में रहता है, साथ ही ब्लड शुगर को भी बढ़ने नहीं देता। सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाए तो बादाम का तेल लगाने से रूखी त्वचा की समस्या दूर हो सकती है, साथ ही त्वचा पर ग्लो भी आ जाता है। प्रेगनेंसी में भी बादाम का सेवन करना अत्यधिक फायदेमंद होगा। अगर आप प्रेगनेंसी में बादाम रेगुलर खाते हैं तो आपके शिशु का विकास बहुत ही अच्छा होगा। उसके जो टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। साथ ही कोई भी शिशु में बर्थ डिफेक्ट या कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। बादाम को पीसकर लगाने से घास, खुजली आदि चर्म रोगों में लाभ होता है। अगर आप भी दांतों के रोग से परेशान हैं तो बादाम के छिलकों को जलाकर भस्म बना लें। इसे दांतों पर रगड़ने से दांत संबंधित बीमारियों से आराम मिलता है। बादाम का सेवन करने से पेट की बीमारियों से बचा जा सकता है। बादाम के इस्तेमाल से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। बादाम से हड्डियाँ भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनती हैं। बोन्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्दी रखना है, तो बादाम से बेहतर और कुछ नहीं है। बादाम में अधिक मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, जिससे कि आपकी बोन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। इसकी वजह से भी बोन्स का विकास बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही लंबे समय तक आपकी बोन्स बहुत मजबूत रहेंगी। तेज बुद्धि, सुंदर चेहरा, स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए बादाम का सेवन करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। बच्चों को प्रत्येक दिन पानी में भिगोए हुए 3 से 4 बादाम खाने के लिए दें। इससे उनका दिमाग तेज होगा, साथ ही साथ उनका दिमाग का विकास होगा, मेमोरी शार्प होगी। बादाम में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम दिल की सेहत को दुरुस्त करता है। बादाम दिमाग के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। अगर आप डेली 4 से 5 बादाम का सेवन करेंगे तो आपका जो ब्रेन पावर है वो स्ट्रांग होगा, मेमोरी शार्प होगी। तो है ना बादाम कितना अच्छा आपके दिमाग के लिए, दिमाग के विकास के लिए। बादाम को खाने का सबसे सही तरीका है कि जब भी आप बादाम खाएं, उससे 8 से 10 घंटे पहले भिगो कर रख दें, उसके बाद छिलका उतार के ही उसको खाएं। क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि बादाम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर में इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा बादाम, और आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आलमंड, ड्राई फ्रूट रोज़ाना सुबह शाम दूध के साथ लेने से आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्किन को दूर करने में और आपकी स्किन को गोरा और चमकदार बनाने में अत्यधिक लाभकारी है। अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप बादाम के पेस्ट को दूध में मिलाकर लगाएं। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन जो है वो गोरी हो जाएगी और कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग हो जाएगा। बादाम खाने से आपका वेट लॉस भी बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है, क्योंकि बादाम में बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन कैलोरीज लो होती हैं। इससे आपका पेट भरा भरा तो रहेगा और आप खाना बेहिसाब जो खाते हैं वो लिमिटेड हो जाएगा और आपकी भूख भी कम हो जाएगी। बादाम हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम कर देते हैं, क्योंकि आलमंड्स में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे हार्ट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। अगर हम डेली 4 से 5 बादाम खाएंगे तो हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा और हम हार्ट अटैक के 50% रिस्क को कम कर देंगे। आलमंड्स हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपको रिंकल्स फ्री स्किन चाहिए, फाइन लाइन्स, रिंकल्स से आज़ादी चाहिए, तो बादाम का सेवन करिए। 4 से 5 बादाम डेली खाइए। इससे क्या होगा कि आपका फेयर होगा कॉम्प्लेक्शन, फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम भी हट जाएगी। अगर आप डेली रात को बादाम ऑयल से, यानी कि आलमंड ऑयल से अपने
फेस की मसाज करेंगे अच्छे से, एज अ नाइट क्रीम उसे यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है वो इनहेंस होगा, टैनिंग है वो सब रिमूव हो जाएगी, फाइन लाइन्स रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो वो सब रिमूव हो जाएगी, है ना। कितने सारे फायदे बादाम ऑयल के, तो जरूर आप एज अ नाइट क्रीम इसे अप्लाई करें अपने फेस पर। और अगर आपको डर है कि आपकी ऑयली स्किन हो जाएगी या फिर पिंपल्स आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बादाम ऑयल से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी, पिंपल्स और ऑयली स्किन बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है या फिर अगर सर्दियां हैं तो मोस्टली सबकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि बादाम के पेस्ट में शहद मिलाकर आप फेस पर लगा लीजिए एज अ फेस पैक। उसके बाद 15 से 20 मिनट रखिए और नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। आपकी जो ड्राइनेस है फेस की वो हमेशा के लिए हट जाएगी। ये आपको वीक में 2 बार फॉलो करना है। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, थकान आपको घेर लेती है, तो बादाम एक बहुत ही अच्छा उपाय है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने स्टेमिना को बूस्ट करने का। तो बादाम खाइए और अपना स्टेमिना बूस्ट करिए। अगर आप नियमित तौर पे बादाम का सेवन करते हैं तो कोल्ड कफ, फ्लू जैसी प्रॉब्लम से आप दूर रहते हैं। अगर आप बादाम का सेवन रेगुलरली करेंगे तो इन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और ये सब प्रॉब्लम्स आपको छू भी नहीं पाएंगी। कैसा लगा ये वीडियो? आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। आपने ये फ़ायदे, ज़्यादातर इनमें से बहुत सारे फ़ायदे आपने सुने भी नहीं होंगे, है ना, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव ये वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो पाए उतना शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती ही रहती हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, आप इनमें से कोई भी तरीके से सहमत हो या फिर ट्राई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।